अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अजीब सा दिल उदास हो रहा है, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा। अभी मैं सोई हुई थी। मानूर, आप कहाँ से आ गई हैं? वो मैं जा रही हूँ, जरा इधर फूलों पे जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? लो भाई खाना बना लो। मैं जरा काम घर के बाहर के भी करने होते हैं। मैं व्लॉग में बता रही थी कि सुस्ती हो रही है, उदासी हो रही है, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, और आप इतना बड़ा काम लेके आगे खाना बना। जाहिर सी बात है, इतनी बनाना क्या है, इतनी बड़ी फौत की भी तो हो गई है ना यार, वहाँ पे अब जाना भी तो लास्ट। हाँ, अल्लाह ताला रहम करे, फौत की बहुत हो रही हैं। चिकन पड़ा हुआ है, चिकन बना लो। मैं आपको चिकन बनाना है। लो जी, ये मैडम मेरे जिम्मे तो खाना लगा के चली गई। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कोई भी काम करने को। अब खाना नहीं बनाया तो हाँ मेरा भी घर आ जाएंगे, रो कहेंगे खाना भूख लगी है, उठो भाई बनाओ खाना। किसके पास जाना है भैया? तो उधर उधर है, उधर उधर जाके देखो, उधर वो देखो आवाज़ आई, उधर ही है वो तो घर में है। आज आपको नहलाया भी नहीं है मैंने, आपके कपड़े चेंज करा दूँ? हैं, आओ आपका मुँह हाथ धो के पहले कपड़े चेंज करा दूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। A few moments later, आपकी बड़ी बेगम मेरे जिम्मे लगा गई है, कहती खाना बनाओ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, दिल उदास है। तो क्या हुआ, उसने तो कुलों पर नहीं जाना था? हाँ वो कुलों पर गई हैं। तो चलो एक दिन है, तुम बना लो। एक दिन क्या, रोज मुझसे काम करवाते हैं आप लोग, लोगों के चक्कर में आप लोग रोज मुझसे काम भी करवाते हैं, मेरे गिले भी करते हैं। नहीं गिले तो नहीं करते हैं। करते हैं कि मैं काम नहीं करती, निकम्मी हूँ, बड़ी बेगम करती है, आप उसको मिलके साथ देते हैं। तो इसीलिए तो काम कराते हैं, तो कोई ये ना कहते हैं निकम्मी हूँ। ना बस मैं निकम्मी हूँ, ठीक हूँ बस। मैंने कौन सा रिश्ता कराना अपना, जो मेरी शादी होनी थी हो गई, जो आपने मेरे गले पड़ना था पड़ गए, गले पड़ना था वो भी पड़ गए। हाँ चले, हम एक दूसरे के गले अब पड़ चुके हैं, ठीक है। मेरे को रिश्ता विश्ता नहीं होना कि मैं खुद को अच्छा साबित करूँ या कोई बहुत काम वाला फुर्तीला साबित करूँ, मुझसे नहीं होता काम करना होता है ना, मुझसे नहीं होता है। बगैर काम की तो जिंदगी थोड़ी गुजरती है। नहीं बस मैं उतने काम करूंगी जो जीने जोगे होते हैं, जिससे बस जिंदगी गुजर जाए। ये इतना काम है, सुबह से उठी और मैं मुख्तलिफ काम कर रही हूँ, फातिमा के अलग काम है, घर के अलग काम है। फातिमा आपकी मम्मी से काम कराते हैं इशारे, फिर आपकी मम्मी को निकम्मा भी कहते हैं। सब काम करा सब। अब मसला क्या है, उदासी किस बात की है? उदासी है मुझे ना, कुछ चीजें मैंने लेनी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए उदास हूँ मैं। अच्छा, क्या क्या चीजें लेनी है? कपड़े लेने हैं गर्मियों के। अच्छा, घर लेना है, गाड़ी लेनी है। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं। हाँ इसके लिए ना मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, वैसे चाहिए तो 5-7 करोड़, चले आप 2-3 करोड़ दे दे। घूम फिर के आ गई, आगे से रोब जमा रही है। सराइकी में क्या बोलू, घूम फिर के अल्लाह, घूम फिर के आ गई। मैंने ये कहा है, ये लो क्या है, फूल वैसे जो था ना वो सुबह, मैंने नहीं खाने, आप खुद खाए। सालन मैंने नहीं बनाया, पता है आपको? आमिर ने कहा है मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, मैं शगुफ्ता के हाथ का खाऊंगा, तुम सालन मत बनो, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अभी पता है वहाँ पे क्या कह के आ रही थी कि अभी मैंने सालन देखना है कि बेगम ने बनाया कि नहीं बनाया, इसीलिए तो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कहा आप आएंगी फिर देखेंगे, फिर सालन बना हुआ होगा। आती थी मेरी बेगम ने खाना जो है ना, आमिर की दूसरी बेगम ने खाना नहीं बनाया। हाँ नहीं, बस जुबान ही चलाती रहा करो तो। आमिर ने मना के पूछ ले, आमिर से पूछ ले, आमिर ने मुझे मना किया। आमिर आपने मना किया ना, आपने कहा खाना नहीं बनाना, कोई नहीं मना किया उन्होंने, मैं ये कहा तुम खाना बनाओ, मैं नोट हाँ। आपने कहा है खाना मत बनाओ, मेरी बड़ी बेगम आएंगी वो बनाएंगी, मैं उसके हाथ का प्यारा प्यारा खाना खाऊंगी। उसके हाथ का प्यारा प्यारा खाना, ये ना काम करने के ना बहाने तुम्हारे बड़े चंगे हैं। चलो जाओ जाके बना के, और ड्रामे कर रही हो फजूल के। नहीं, पहले ऑयल डाला है, फिर चूल्हा ऑन किया है, अब इसमें जाएगा चिकन, नमक भी साथ ही डाल देगी। चिकन ने पानी छोड़ दिया, ये पानी खुश कर लेंगे। एक कप पानी डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, अब इसे छान लूंगी। हमें ये पेस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये पानी। चिकन का पानी सूख गया, आप ज़रा चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह चिकन प्यारा प्यारा फ्राई हो गया है, हल्के हल्के निशान ऊपर आ गए हैं। इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन का पानी, साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर, साथ ही शामिल करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सब मिक्स कर लूँगी। अब बारी है इसमें टमाटर लगाने की, आधे आधे टमाटर काट के इस तरह रखते जाएँ। टमाटर लगा के आप इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर गल जाए। चले जरा शगुफ्ता पापा के साथ प्रैंक करते हैं थोड़ा सा।
ये देखे बैठ के फ्रूट चाट खा रही है मैं मजलूम को कामों पे लगा के। मैंने अफ्तारी की थी, मैंने ये फ्रूट चाट नहीं खाई थी, तौबा है, मैं हर चीज पे नजर रखती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो अभी चखा भी नहीं। अच्छा आपके लिए ना मेरे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर है, पहले कौन सी सुनाऊं? कोई अच्छी खबर जो है ना, कभी खबरें तुमसे किसी अच्छी खबरों की उम्मीद हो भी नहीं सकती वैसे भी। इस टाइम एक अच्छी खबर है। क्या खबर है? अच्छी खबर ये है, कौन सी सुनाऊं पहले? अच्छी सुनाओ। अच्छी खबर ये है कि मैं सालन बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ बलोची चिकन कढ़ाई। अल्लाह रहम। अच्छा फिर। और बुरी खबर ये है कि वो सालन जल गया। कोई चाहिदा काम आंदा है तेनू? मुझे इसी तरह ही काम आता है। अम्मी ने क्या पता नहीं कैसी औरत ब्याह के ले आए हैं घर में। सुन रहे हैं ताने, सुन रहे हैं ताने, सुन रहे हैं। सोए पड़े हैं आमिर, तो असली वाले सोए पड़े हैं। पता नहीं कैसी बहू ले आए हैं घर में। ये बहू मैं आपकी बहू लगती हूँ? अबू वो तो नहीं लाए थे मुझे, आमिर लाए थे मुझे। पता नहीं कैसे ले आए थे, क्या सोच के लाए। आमिर बताएं कैसे लाए थे, आमिर से पूछे मेरी कदर, समझ आई है जी? अंदाजे उनको भी अंदाजे जी। दुनिया में आमिर अगर किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, खान जी बस रहने दो, झूठ यही रहने दो। तुम मुझसे करते ये झूठ यही रहने दो। अभी परसों तरसों जो कोफ्ते बनाए थे वो मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातें सुन। लेटे हुए कोफ्ते इसने बनाए थे, टूटे हुए, टूटे हुए कोफ्ते थे जी। नहीं और किसी काम के नहीं बनाए थे कोफ्ते तो। अच्छा आप फिर अभी, अब आमिर जब उठेंगे ना, आप उनसे और चिकन मंगवा के आप चिकन कढ़ाई बनाएंगे, ठीक है? अंडा पका के ना ऑमलेट बना के वही खा ली। ये तो बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या है फातिमा? ब्लैक चिक पीस है। फातिमा अभी मैंने आपका भी मुंह नहीं धुलाया, कपड़े चेंज नहीं किया। हाँ अच्छा मैं सालन पूरा कर लूँ फिर आपके कपड़े चेंज करती हूँ, ठीक है? सालन मजीद जला लूँ जो रही सही कसर है वो मम्मा आपकी पूरी कर दे और फिर बाद में ना झके लूँ। मेरी बेटी मेरा साथ देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके निकालेंगे छिलके। टमाटर को यहाँ मैश कर लेंगे। शामिल करूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर, काला मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर। इसमें सबसे आखिर में डलेगी दही। अच्छा अब इसमें कटी हुई अदरक, धनिया और हरी मिर्च की कमी है, ये शशके मुझसे नहीं होते। मेरे हिसाब से गर्मा गर्म बलोची कढ़ाई तैयार हो गई है। जाऊँ जरा मैं इसमें अपना चेक वसूल करूँ। क्या करूँ यहाँ, क्या करूँ बेसन पे, क्या करूँ? नया नया करा दूँ, गर्मी लगी है। One eternity later. फातिमा जहरा आप तो बड़ी नहीं हुई, पिछले साल की फ्रॉक आपको पूरी आ गई येलो। आओ आपके बाबा के पास चलते हैं, उनसे करोड़ों रुपए लेते हैं, ठीक है? आओ 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 लेते हैं, आओ लें जी। आमिर साहब भी सोए पड़े हैं, शगुफ्ताब भी सोई पड़ी हैं, अब मुझे चेक कौन देगा? फातिमा जहरा डॉक्टर अंकल ने मना किया था कि फातिमा जहरा को फ़ोन नहीं देना, पता है आपको? चलो ठीक है आप फ़ोन देख लो, आप फ़ोन देख लो, मैं फिर आपको सिरप पिलाऊंगी, ठीक है? ओके। क्यों नहीं पिलाऊंगी? आमिर साहब के उठने का वेट कर रही हूँ, उठेंगे तो मुझे चेक देंगे। समझ से बाहर है कि तुम इतना खुशफहमी में क्यों रहती हो, इस खुशफहमी के सर्कल से ना निकलो बाहर। कौन सी खुशफहमी में रहती हूँ? जो रहती है खूबसूरती के। मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं खूबसूरत हूँ। लोग देखेंगे ना वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, मेरे हुस्न की ताब ही नहीं ला पाएंगे, इतना हुस्न। मैंने सालन बनाया, मैंने इतने सारे काम किए, उसके बाद इतनी सारी बातें सुनी इस मैडम की। कौन से कितने से काम किए आपने? और मैं अभी किचन में बर्तन धोने गई हुई थी तो बड़ी बेगम ने आमिर को बर्तन किसके दुकान पे रवाना कर दिया है ताकि वो मुझे नहीं नहीं बात क्लियर करो, ताकि वो मुझे करोड़ों का चेक ना दे, ताकि वो मुझे करोड़ों का चेक ना दे सके। आप मुझे बोलने में नहीं दे रही, देख ले। हाँ, तो जाहिर सी बात है, बात तुम सही करो ना, बर्तन किसके बर्तन धोए? बर्तन धोए इतने सारे, बर्तन इतने सारे किसके? हम तो अपने बर्तन खुद धोते हैं, पूरे घर के बर्तन धोए हैं। सालन अभी जो पकाया था उसमें इतने सारे बर्तन इस्तेमाल हुए, वो भी सारे मैंने धोए हैं। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, हम अपने बर्तन खुद धोते हैं। अच्छा आज व्लॉग को एंड कर दें, आपकी जबान बड़ी चलने लगी है। हाँ तो जाहिर सी बात है, ना चलाऊं चला सिखाती ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलती रहो, मैं किसी खातर में नहीं लाती यार, ना आपको ना आपकी जुबान को। तुम क्या समझती मैं तुम्हें खातर नहीं लाती हूँ? इतनी कुछ फैमिली है, वही ना वही मैं कह रही हूँ कि सर्कल से निकलो, ये जो सर्कल अपने अंदर तुमने हसार सा बनाया ना उसमें से निकलो बाकी इंसान बनो। अच्छा व्लॉग को एंड करें। ओके अल्लाह हाफिज़।
ओके न्यू अल्लाह हाफिज़। सड़ गई है। आज का व्लॉग यही तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और इस तरह की खवातीन यही तक अपनों और अपनों का ख्याल रखें, अपना और अपनों का हाँ, और इस तरह की औरत जहाँ कहीं पर भी नजर आए उसे अवॉइड करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नजर आए उसको अवॉइड करें। मुझे अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।